मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम तरुणा राठी, योर साइंस टीचर फ्रॉम डीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चों को साइंस में फोर्थ चैप्टर पूरी कंप्लीट करवा दी थी, जिसकी कॉपी भी मैंने फ्राइडे और सैटरडे दो दिन रखे थे, उसमें चेक हो गई थी। कुछ बच्चे जो अटेंड नहीं हो रहे हैं, वो प्लीज़ जल्दी से इस लिंक पर अटेंड हो जाएँ और अपना काम पूरा कर लें। आज आपके फिफ्थ चैप्टर लेसन 5 फूड एंड होम्स ऑफ द एनिमल, यानी खाना और उनका घर एनिमल्स का, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। इसमें देखो आप व्हाट वी लर्न, इसमें पॉइंट्स हैं जैसे प्लांट और ग्रास, यानी प्लांट एंड एनिमल और होम्स ऑफ एनिमल, ये कुछ चार पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको इसमें डिटेल से बताया गया है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना आप, ऑल लिविंग बींग नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, यानी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव चीज़ें और जो सजीव वस्तुएं होती है, उनको रहने के लिए खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर और ग्रोथ की आवश्यकता होती है। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग बींग हैं, वो भी सजीव हैं, वो भी क्या है, सजीव हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो भी अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, यानी जितने भी सजीव होते हैं उनको खाना रहना और ग्रोथ, यानी उनको बढ़ाई, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो एनिमल्स भी लिविंग थिंग है, क्योंकि ये भी चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं। नेक्स्ट है आपके, देखो देयर आर सम एनिमल विच ईट ओनली ग्रास, देखो कुछ जो जानवर होते हैं वो सिर्फ ग्रास खाते हैं, यानी घास फूस जो होता है ना वो खाते हैं, एंड अदर ग्रीन प्लांट, और अदर जो होते हैं, जो दूसरे होते हैं, वो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, तो दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर, इनको क्या बोलते हैं हम, प्लांट ईटर, हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं। तो जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं, उनको हम प्लांट ईटर यानी हर्बीवोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद में है जिनको शाकाहारी भी बोला जाता है, जो सिर्फ घास फूस हरी खाते हैं। उसके बाद में है सम एनिमल्स हंट फॉर स्मॉलर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, उनको मारते हैं और उनका मांस खाते हैं, तो सच एनिमल आर कॉल्ड फ्लैश ईटर, इन वाले जानवरों को हम फ्लैश ईटर के नाम से जानते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो दूसरों का मांस खाते हैं, जिसको कार्निवोरस के नाम से भी हम जानते हैं। तो कुछ जानवर जो शाकाहारी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब देखो इसमें, सिंस टाइगर्स एंड लायंस हंट्स फॉर देयर फूड दे आर कॉल्ड हंटर्स, यानी देखो टाइगर जो लायन होते हैं वो दूसरों के ऊपर शिकार करते हैं, झपटते हैं अपने खाने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हंटर्स, क्या बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। और इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है प्लांट ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी जो पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था शाकाहारी, और फ्लैश ईटिंग एनिमल को हम कार्निवोरस बोलते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। कौन होते हैं, मांसाहारी। तो इसमें सिर्फ आपके शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बताया है। नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 32 पे, देखो सम एनिमल एंजॉय ईटिंग ग्रेन एंड नट्स, कुछ जो जानवर होते हैं जो ग्रेन यानी अनाज के दाने, नट्स यही खाते हैं, इनको यही खाना अच्छा लगता है, जिसमें देखो हैन है, स्पारिल है, पैरोट्स है, तो दे आर कॉल्ड ग्रेन ईटर, इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रेन ईटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेन ईटर, जो अनाज के दाने नट्स वगैरह खाते हैं। फिर है सम एनिमल ईट स्मॉल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, यानी कुछ जो जानवर होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो वो एज अ इंसेक्टर हो जाते हैं, जिसमें देखो लिजार्ड नीचे है, देखो लिजार्ड छिपकली दिख रही है आपको, लिजार्ड स्टिक आउट देयर टंग टू कैच इंसेक्ट, लिजार्ड क्या करती है, कोई भी इसको इंसेक्ट दिखता है तो अपनी जबान बाहर निकाल के उसको झपट के अपने मुँह में डालने की कोशिश करती है। और फिर स्पाइडर स्पाइन अ वेब टू कैच, ये क्या करता है, स्पाइडर अपना जाल बिछाता है, जिससे जो भी कीड़ा मकोड़ा है इसके जाल में फंस जाता है, कैच हो जाता है, और एंड ट्रैप इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट को पकड़ के उसको खा लेता है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ग्रेन ईटर और कुछ स्मॉल इंसेक्ट ईटर सबके बारे में आपको समझा दिया है। उसके बाद में मैं आपको कल बताऊंगी होम्स ऑफ एनिमल, ये काफ़ी सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।